अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय निपनिया के एक दर्जन छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। एक तरफ उनका एक वर्ष बर्बाद होने की कागार पर है, वहीं आगे की पढ़ाई भी हो पाएगी या नहीं इसमें असमंजस बना हुआ है। दरअसल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में एडमिशन लेने वाले 24 छात्रों में से 12 छात्रों का नामांकन हो पाया, जबकि 12 छात्रों का नामांकन ही नहीं हुआ। नामांकन न होने के चलते छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, जिसके चलते छात्रों को अब आगे की पढ़ाई की चिंता है। छात्रों ने बताया कि प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी परीक्षा बाद में ली जाएगी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि 12 छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं छात्रों ने मांग की है कि बचे 12 परीक्षार्थियों का नामांकन किया जाए, जिससे कि वह परीक्षा दे सके। उक्त मामले को लेकर आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने कहा कि एमपी ऑनलाइन की गलती की वजह से 12 छात्रों का नामांकन नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय द्वारा कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में जितनी सीटें थी उनका नामांकन हो चुका है, जबकि आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया में 50 सीटें हैं, ऐसा कहना विश्वविद्यालय का है। उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया जा चुका है। परीक्षा कंट्रोलर के द्वारा जवाब दिया जाता है कि बाद में परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, लेकिन छात्र अपना नामांकन अलॉट कर सभी के साथ परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं महाविद्यालय के छात्रों ने क्या चिंता व्यक्त की है, वहीं पूरे मामले को लेकर प्राचार्य का क्या कहना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कॉलेज में जमा है, और जब हम मांगते हैं कुछ करने के लिए अलग से तो पूरे फीस मांगी जाती है, और जबकि और फीस हमारे जब डॉक्यूमेंट जमा है तो हम फीस क्यों देंगे? जब हमारा पेपर नहीं हो रहा है, नामांकन नहीं हो रहा है, हम फीस जमा कर दें तो क्या भरोसा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई कन्फर्म तो है नहीं। आप लोग ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है, तो उन्होंने क्या बताया? सर ने बोला कि अभी आप लोगों का नामांकन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, बाद में भरा जाएगा और बाद में आपका पेपर होगा। तो ये क्या कारण था, मतलब किस कारण से आपका मतलब एग्ज़ाम वगैरह डिले हो गया है? ये हम लोगों को कारण तो नहीं पता है, पर सर कह रहे हैं कि वो होगा होगा करके हम लोग एक साल से सुन रहे हैं। उन लोगों का एक साल पहले नामांकन भर गया, आज से उनका पेपर शुरू है मेडिकल कॉलेज में, और हम लोग ऐसे ही 12 छात्र भटक रहे हैं। तो प्रिंसिपल का कहना है कि मतलब पोर्टल बंद हो गया था, इस कारण से जो बच्चे बचे हुए थे उनका नहीं हो पाया, वो उनकी गलती थी एमपी ऑनलाइन की, क्या आप ये मानती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को बुलाया गया था लेकिन हम लोगों का नाम ही उसमें नहीं था, तो हम लोग किस तरह से नामांकन भरते? हम लोगों की यूनिवर्सिटी से नाम नहीं आ रहे हैं, यहाँ से जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जब उनको पता था कि इतने जब पोर्टल बंद हो जाएगा इतने में, तो उनको हम लोग का एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था। एडमिशन क्यों लिए वो? अब एडमिशन लिए हैं तो हम लोग का भी पेपर दिलवाएं उन लोग के साथ, तो और बच्चों का पेपर क्यों हो रहा है जब हम लोग का पेपर नहीं हो रहा है? तो हम बच्चे क्यों भटक रहे हैं? क्या वो छात्र हैं? हम लोग छात्र नहीं हैं, हम लोग पैसे नहीं लिए, हम लोग भी वैसे ही पैसे दे के यहाँ पर कॉलेज करने आए हैं, तो हम लोग का भी साथ में ही पेपर होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि एमपी ऑनलाइन में आप लोग का नाम नहीं था फिर भी यहाँ एडमिशन हो गई है? हाँ। और आप लोग का कहना है कि जब एडमिशन हो गई है तो एग्ज़ाम भी होना? हाँ, एग्ज़ाम होना चाहिए, तो क्योंकि हम लोग 3 साल यहाँ इस कॉलेज में नाम लिखा कर बैठे हुए हैं। तो प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं कि आप लोग का भी नहीं हो रहा है, पोर्टल नहीं खुल रहा है, फिर आप लोग का अलग से पेपर लेंगे। तो कब से तो बोल रहे हैं अलग से नामांकन होगा, नामांकन होगा, तो नामांकन भी नहीं हुआ अलग से, तो पेपर कैसे ले लेंगे अलग से? आप ये कैसे माने यूनिवर्सिटी का 12 लोगों का अलग से एग्ज़ाम लेगी कभी? जब अभी तक नहीं ली है तो यूनिवर्सिटी अलग से 12 लोगों का एग्ज़ाम नहीं लेगी, और 2 नवंबर से पेपर होने वाला था, तो 2 नवंबर से 16 नवंबर डेट बढ़ी, इसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक यही बोल रहे हैं, अब फिर बोल रहे हैं कि पेपर का डेट बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। अभी तक हम लोग मिल रहे थे जब भी प्रचार सर से, अभी तक डेट बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। अब जब डेट नहीं बढ़ी तो बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद आप लोगों के फिर से पेपर होगा। अभी लिख के नहीं दे रहे हैं हमें कि लिख कर दे दें, हमें विश्वास हो जाए कि 6 महीने बाद पेपर होगा। अभी आश्वासन में डालकर रखे हैं में कि पेपर होगा, बस, और कोई जानकारी नहीं है इसके। तो प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने बात किया है यूनिवर्सिटी में जो उनके ऊपर हैं, उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द पेपर होगी, जो बच्चे छूटे हुए हैं उनका जल्द से जल्द। हाँ, तो भाई इनकी हमें गारंटी दें ना, लिख कर दें हमें कि हाँ पेपर होगा। अभी कोई अभी भी यही बोल रहे थे कि पेपर होगा, नामांकन भी हो जाएगा। 2019-20 के सर हम छात्र हैं, और जबकि 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक कोई 2019-21 में आधे लड़कों का नामांकन डल गया था, उसके बाद हम प्रचार से हमेशा मिलने आते थे, प्रचार सर से, बाबू सर से, सबसे मिले, यही बोल रहे थे कि होगा होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब जबकि 2022 में आधे उनका पेपर भी होने लगा, अभी तक यही आश्वासन में हमें मिला कि हो जाएगा। मतलब 3 साल से आप दौड़ रहे हैं, आपकी काम को पेंडिंग रखा गया कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक यही हो रहा है जी। कुछ भी नहीं हो रहा, काम पूरे होने की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ से, बस बोला जा रहा है, पेंडिंग किया जा रहा है, बाकी हो कुछ नहीं रहा है यहाँ से। अभी भी भ्रम में यही डाला जा रहा है कि हो जाएगा, अभी भी लिख के हमें दे दें तो हमें यकीन हो जाएगा, लेकिन अभी लिख कर नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से हम बात कर रहे हैं। जब सर लोग ये बोलते हैं कि हो जाएगा, तो हम लोग को लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं?
तो उनको तो क्लियर है कि होना है, तो फिर लिखित है हम लोगों को दीजिए ना आप, हमें एक अल्टीमेटम देना चाहिए उन्हें एक लिखित में, हमें विश्वास हो कि भाई आपका साल छह महीने बाद कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो कितने बच्चे का नहीं हो पाया? 12 लोगों का नहीं हो पाया। यहाँ पर तो 12 लोग मौजूद नहीं दिख पा रहे, और सब कहाँ है? सब दूर से आते हैं, दूर से आते हैं सर, आस पास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आते हैं सब लोग। बताइए, हम कटनी से ही आए, साल भर से दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा तो रोज कैसे आएंगे बेचारे? जब कोई यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होना है पेपर या नहीं होना है, तो कैसे आ पाएंगे हर दिन 12 बच्चे? और हम लोग के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा करा लिए हैं, कह दिए हैं अभी आपके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दी जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट कब जमा हुआ है? डॉक्यूमेंट 2019 में जमा हुआ, जब एडमिशन के द्वारा, जब एडमिशन टाइम पे हुआ था, एडमिशन हुआ था जब। और भी मतलब प्रिंसिपल के पास से फिर आप लोग और कहीं भी कहीं गए क्या? यूनिवर्सिटी गए हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं गया। हमारे यहाँ पे दाहिया सर हैं, दाहिया सर वो बोलते हैं कि मैं 7-8 बार यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, 8 बार यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हर बार मैं जाके बोलता हूँ कि पोर्टल खोलिए, बच्चों का एडमिशन वो करवाइए, नामांकन करवाइए, तो सर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाता हूँ, और सर पता नहीं क्या करते हैं कि अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई आया नहीं कि नामांकन हो हम लोगों का। हम लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं, बोलते हैं सर कि मैं 8 बार जा चुका हूँ, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए, नहीं तो हम लोग यूनिवर्सिटी भी जाते। 8 बार अगर गए होते तो कुछ तो कार्रवाई होती, बताइए 8 बार कुछ कम नहीं होता। अगर दाइए सर जा रहे हैं, हमारे यहाँ के लेखापाल हैं कॉलेज के, कुछ तो हैं प्रबंधन है यहाँ के, तो कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है? हाँ, 2019 बैच के डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र छात्राएं हैं, इनके नामांकन की समस्या आ रही है। इनके जब नामांकन हुए थे उस समय 11 छात्रों के नामांकन हो गए थे, अब 13 छात्र ये छूट गए हैं एमपी ऑनलाइन की गलती की वजह से। उन्होंने पोर्टल बंद कर दिया विद इन ड्यू जो डेट थी उसके, उस समय एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होता है, तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम कम से लगातार 1 साल से यूनिवर्सिटी के संपर्क में हैं, और यूनिवर्सिटी हाँ बोल रही है, जैसा कि बच्चे बता ही रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, वाकई में आश्वासन मिल रहा है। यूनिवर्सिटी बोलती हाँ कर रहे हैं। हमने अपने बाबू को भी 3 बार भिजवाया, वहाँ पर बैठ के आया, वो 2 दिन बैठ के आया अभी। उसके बाद भी आज ही मेरी परीक्षा कंट्रोलर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि इनकी परीक्षा अलग से करवा देंगे, ये उन्होंने बोला। सर ये जो पोर्टल बंद हो गई थी ये क्यों हो गई थी? अब ये तो वही बता पाएंगे, या तो एक तो होता है पोर्टल बंद होने का कारण होता है कि डेट मतलब खत्म हो जाना। नहीं, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, हमने उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए हमारे, उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया यूनिवर्सिटी, हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, और पूरी गलती एमपी ऑनलाइन की है। मतलब डेट खत्म भी नहीं हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, और नहीं उनका ये कहना कि 11 छात्रों का ही उसमें नाम आ रहा है और उससे ज्यादा नहीं, उनका कहना था कि मान्यता नहीं है, जबकि मान्यता हमारे पास 50 सीट की है जी। और वो बोल रहे हैं कि 11-12 लोगों की मान्यता आपके यहाँ की, तो हमने उनको दिखा दी कि हमारे पास 50 सीट की मान्यता है, तो 50 सीट की मान्यता पर 11 में कैसे बंद कर सकते हैं वो पोर्टल, ये है। तो आगे क्या है सर, क्या किया? परीक्षा कंट्रोलर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इनके अलग से परीक्षा कराएंगे, नामांकन इशू हो जाएगा, नामांकन इशू होगा पहले फिर परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये नामांकन इशू कब तक हो जाएगा, कब तक? ये तो यूनिवर्सिटी बता पाएगी, यूनिवर्सिटी मतलब अभी यूनिवर्सिटी का रोल है आपकी नज़र में होता है ना कि हमने जैसे तो बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, लगे हुए वो लोग, ईसी की बैठक में उन लोगों ने रखा था यूनिवर्सिटी ईसी में, वहाँ से पास हो गया है, तो प्रक्रिया तो है बता रहे हैं, अब जैसा वो बोलते हैं हम सुन लेते हैं, वैसे हम बच्चों को बता देते हैं।